हेलो और नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। पिछले 24 घंटों में भारत में 50,000 के करीब कोविड-19 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 212 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े काफी डराने वाली है क्योंकि ये इस साल का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने देश को झंझोड़ रखा है, देश ही क्यों दुनिया में भी इसने हाहाकार मचा रखा है। फरवरी की शुरुआत में मानो लग रहा था जैसे भारत में कोरोना वायरस खत्म होने के कगार पर था, लेकिन मार्च में देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसी के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है तो कई सरकारें अपने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो दिन भर आती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं तो कुछ नेगेटिव, लेकिन मैं आपके लिए कोरोना और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी इनमें से ऐसी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आई हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देश में कोरोना का क्या हाल है। कोरोना के मामलों में वापस आई तेजी हर दिन डरा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 46,951 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। 21,180 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 212 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं देश के कुल मामलों की बात करें तो आंकड़ा 1,16,86,081 पर है। 1,11,51,468 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 3,34,646 पर हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,59,967 हो गई है। वहीं कुल 4,50,65,998 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के मामले अब हर दिन तेजी से बढ़ने लगे हैं। रविवार को कोरोना के 43,846 मामले सामने आए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान समेत देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू, कई राज्यों में बढ़ाई गई पाबंदियां, स्कूल कॉलेज भी बंद। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण का दूसरा दौर अब तेजी से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। इसको देखते हुए देश के कई राज्यों में कोरोना संबंधी पाबंदियां फिर से लगाई जा रही हैं। कहीं एक दिन का लॉकडाउन तो कहीं 31 मार्च तक का लॉकडाउन। इसके साथ ही कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से यहां के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जी हां, राजस्थान के 8 शहरों अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान सरकार के फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज से 12 घंटे वैक्सीनेशन, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी लगेगा टीका। जी हां, सोमवार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का समय बढ़ा दिया गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक कभी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी हां, पहले वे 5 बजे तक ही टीका लगवा सकते थे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हर वैक्सीनेशन सेंटर पर सोमवार से कम 6 साइट जरूरी करने का आदेश भी जारी होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अभी तक वैक्सीनेशन किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब रात में 9 बजे तक किया गया है। मंत्री ने कहा कि अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि अब लोग आधार कार्ड या आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे तो उनको फौरन वैक्सीन लगा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय कंपनी ने बनाई कोरोना की कैप्सूल वैक्सीन, तिगुना बचाव का दावा। जी हां, भविष्य में आपको कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सुई लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक कैप्सूल खाना होगा। ये कैप्सूल एक भारतीय दवा कंपनी अमेरिकी दवा कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। कैप्सूल वैक्सीन भारत में ही बन रही है। इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी का नाम है प्रेमास बायोटेक। भारतीय दवा कंपनी प्रेमास बायोटेक अमेरिकी दवा कंपनी ओरामेड फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर इस कैप्सूल को बना रहा है।
कंपनी का दावा है कि कैप्सूल वैक्सीन की सिंगल डोज से ही कोरोना से काफी राहत मिल जाएगी। ये काफी असरदार है। कैप्सूल वैक्सीन का नाम है ओवरवैक्स कोविड-19। कैप्सूल को लेकर कंपनी का दावा है कि जंतुओं पर किए गए अध्ययन के दौरान कैप्सूल वैक्सीन काफी असरदार दिखाई दी है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 वैक्सीनेशन से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। जी हां, चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अब तक टीकाकरण से कोई मौत नहीं हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात CSIR CSIO चंडीगढ़ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंस सेंसर्स एंड सिस्टम में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे हैं उनका प्रतिशत 0.000432 है। अब तक टीकाकरण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मौत की सूचना है उनकी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पूरी तरह से जांच की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी ये टॉप 5 खबरें चैनल पर लगातार आती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।